नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड की सीरीज में स्वागत है आपका। और यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस होगी, लेकिन हर वीडियो में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और लेकिन यहाँ भी आपको दो चीज़ों के बारे में ऐसा पता लगेगा जो आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में गलती कर रहे हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको उन फंड को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना है। तो कौन से हैं वो फंड, बाकी सारी डिटेल देखते हैं स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि आपको मनीष मिश्रा जी का जो पोर्टफोलियो है वो हमने पिक किया है। और टाइम होराइजन 12 इयर्स, टारगेट अमाउंट 1 करोड़, और ये टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं 7 फंड में वो है 20,500 रुपये। ठीक है, और 12 इयर्स में क्यों है जो इनका टाइम होराइजन, वो मुझे कम लगा, क्योंकि 41 इयर्स में ये चाहते हैं कि अपना अमाउंट विड्रॉ करना, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि 41 तक आप 1 करोड़ कर पाएँ 12 इयर्स में। हाँ, स्पेशली स्टेप अप करना पड़ेगा, वो चीज़ है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, आप पेड सर्विसेज कंसिडर कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख जाएगा, वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे, सीधा आप व्हाट्सएप पे पहुँच जाएंगे। और अब वापस आ जाते हैं इधर हम पोर्टफोलियो पे। एक बार मैं सारा साफ कर दूँ ताकि आपको शुरू से आराम से समझा सकूँ कि क्या गड़बड़ है और क्या ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ फंड्स की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ठीक है, एक फंड हो गया जिसकी क्वालिटी ख़राब है। अगर मैं इसको रेड कर दूं तो हम इसको एग्जिट ही ले लेते हैं। बाकी आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर महीने, हर 2 महीने में हमने इसको रिव्यू किया है, और जाके आप आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी दूसरी बात आ जाती है डिजिटल फंड की, कोई सेक्टोरल फंड है इससे भी आप दूर रहें, ये कोई फ़ायदा नहीं है आपको प्रॉपर एक सेक्टर में, क्योंकि इनके पास रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, और जिस वजह से ये सेक्टर प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ठीक है, तो अब बच गए 5 फंड। ठीक है, 5 फंड में अब कोई प्रॉब्लम है, कोई खास बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे 2 स्मॉल कैप हैं जिसमें हम एक में से एग्जिट ले लेंगे। हमने ले लिया एक्सिस में से एग्जिट। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट आया 1500, 2000 और 3000, ठीक है, टोटल आ गया 6500 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हमें हैं। अब हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है? ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ मैं 1000 रुपये इसमें डाल देता हूँ। 1000 रुपये मैंने डाल दिए केनरा रुपये को ब्लू चिप में, और 1000 रुपये ही मैंने डाल दिए आपके पीजीएम इंडिया मिड कैप में। तो टोटल 3000 तो ये डिवाइड हो गया, बाकी 3500 का हम एक नया फंड ले लेंगे जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा। इसकी जगह आप क्वांट एक्टिव भी ले सकते हैं। दोनों की वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप SBI कॉन्ट्रा में पैसा डालना चाहते हैं या क्वांट एक्टिव में पैसा डालना चाहते हैं तो आप आई बटन पर देख सकते हैं, दोनों का डिटेल रिव्यू आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और लमसम की बात करें तो लमसम वाली वीडियो जरूर जाके देख लेना, क्योंकि हम मोस्टली गलती यही करते हैं कि कंपोजिशन ख़राब कर देते हैं जब हम लमसम करने जाते हैं। तो बेस्ट फंड जो लमसम के लिए हैं वो जाके चेक कर लेना, और उसमें लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जाके देख लेना। यही बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप वो भी देख लेना या वो भी देख लेना आपकी ज़रूरत के हिसाब से। नहीं तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनेगा कैसे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। देखो, आपको जो पैसा डाला ना स्मॉल कैप में, मैंने डाला 7000 रुपीज़। ठीक है, और ओवरऑल हम इन्वेस्टमेंट रफली बोल रहा हूँ 21000 कर रहे हैं, तो उसका 1/3 हो जाता है। आप 1/3 से ज़्यादा पैसा ना डालें, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/3 का भी ऐसा ही होगा कि ये 1/3 का 2/3 डलेगा पैसा, यानी कि ओवरऑल 7000 स्मॉल कैप की तरफ नहीं जाएगा, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ठीक ठाक बन जाएगा। 25% से ज़्यादा स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ फंड्स की, तो 5 फंड्स हैं, इससे ज़्यादा ना लें। मैक्स टू मैक्स 6 पे पहुँच सकते हैं, लेकिन 7 फंड कभी भी मत लो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, स्पेशली अगर आप पूरा का पूरा इंडियन इक्विटी में डाल रहे हो। हाँ, आप गोल्ड ले रहे हो या कुछ और ले रहे हो तो ये नंबर 6 या 7 पे पहुँच सकता है। ठीक है, बाकी अब बात करें तो यहाँ पे केनरा रोबेको ब्लू चिप, केनरा रोबेको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप और SBI कॉन्ट्रा, ये 5 फंड 20,500 अमाउंट में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इससे 1 करोड़ रुपया कभी भी नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी जो मिस्टेक्स, यहाँ एक छोटी सी जो गड़बड़ है वो ये है कि केनरा रोबेको ब्लू चिप और SBI कॉन्ट्रा में 45% का ओवरलैप है। ठीक है, हमारे ऐड करने के बाद भी, तो अगर आपको ये ओवरलैप से प्रॉब्लम है तो आप क्वांट एक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है। देखो, 2 स्टाइल हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को समझो। एक है ये ग्रोथ स्टाइल, ठीक है, एक है ये वैल्यू स्टाइल। ठीक है,
अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए ये ब्लेंड स्टाइल, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं पूरे की बात करूं तो हमें म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जब ग्रोथ स्टाइल दे रहा है तो हमें वैल्यू स्टाइल कहां से मिलेगा? वैल्यू स्टाइल मिलेगा हमें स्टॉक से, ठीक है। अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है तो हम उनमें बना के एक वैल्यूएशन वाला अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिस वजह से ओवरऑल एक ब्लेंड पोर्टफोलियो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार बात कर लें तो 43% रफली पैसा आपका जा रहा है, 44% जा रहा है रफली आपका लार्ज कैप में, 35% मिड कैप में और 18% आपका जा रहा है स्मॉल कैप में, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करें तो पहले जापान में पैसा डलता था पराग पारी का, अब नहीं डलता है, और यहाँ पे यूएस मार्केट में आपका पैसा है लगभग 3.5, यानी कि आप जो भी हर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 3.5% यूएस मार्केट में जाएगा, ठीक है। सेक्टर की बात करें तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे है, इसको मैं कोशिश करता हूँ 20 के अराउंड रहे, लेकिन ये 24 के अराउंड है। सर्विसेज की बात करें तो वो 12.5 है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो 7.7, मटेरियल टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर और सब कुछ मिल गया, और केमिकल सेक्टर थोड़ा सा नीचे है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन आपको टॉप 10 टॉप 11 में ये मिल रहा है, वही बड़ी बात है। जो स्टॉक इनडायरेक्टली आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ICICI बैंक, ITC, HDFC, निफ्टी 50, एक्सिस बैंक, ये निफ्टी 50 पता कहाँ से आया, ठीक है, ये निफ्टी 50 आया आपका SBI कॉन्ट्रा से, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज होल्डिंग, इन्फोसिस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ओवरऑल वो स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में इनडायरेक्ट आप होल्ड कर रहे हैं, जिनको अच्छी खासी क्वांटिटी में, जिनको आप कम क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, SBI कार्ड, ठीक है, इनकी ग्रोथ इस समय बहुत ज़्यादा है, वरुण बेवरेजेस, एल्कम लैब्स, सिप्ला, पेज इंडस्ट्री, टाइटन कंपनी, और ये वैसे बहुत से लोग नहीं ले पाते क्योंकि पेज इंडस्ट्री इंडिया का बहुत महंगा और किस नंबर पे आता है MRF के बाद आप मुझे बताएंगे पेज इंडस्ट्री, ठीक है। और ये 6 स्टॉक्स हैं जो आप वैल्यूएशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा कि आप कौन से स्टॉक्स, अगर ये स्टॉक्स रखेंगे तो इनकी वैल्यूएशन कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो एक जो स्टॉक पोर्टफोलियो बनेगा वो वैल्यूएशन स्टाइल से बनेगा और ग्रोथ स्टाइल से आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ के जानी है यहाँ से कि दोनों चीज़ों का बैलेंस जब बना रहेगा तो आप ग्रोथ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो बहुत लंबे समय तक रेड में कभी नहीं रहेगा, या तो आपका वो ग्रो करता रहेगा या वो ग्रो करता रहेगा, दोनों कहीं ना कहीं अच्छी खासी ग्रोथ आपको इन दी एंड निकाल के देंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड करते हैं तो। बाकी आपको कोई भी स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना है तो आपके लिए बहुत ईजी है, जस्ट आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टफोलियो हम बना के देंगे। कैसे? व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।